राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इन दिनों देश भर के राम भक्तों में उत्साह का माहौल है और उसी क्रम में इन दिनों देश के कोने कोने में जन जागरण यात्राएं निकाली जा रही हैं। और ऐसी यात्रा दिल्ली में निकाली गई जिसमें बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को देखा गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी नुपुर शर्मा को द वैक्सीन वार फिल्म देखने गई थी जहां उन्हें स्पॉट किया गया था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। एक बार इस वीडियो को देखिए, कैसे लोगों के साथ नुपुर शर्मा हाथ में भगवा रंग का ध्वज लिए और गले में भगवा माफला डाले हुए यात्रा में शामिल है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम भी दिखे। इस यात्रा के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ से घेर रखा था। लेकिन काफी लंबे समय के बाद नुपुर शर्मा को सार्वजनिक रूप से इस तरह देखा गया। बता दें कि जून 2022 में टीवी चैनल के एक डिबेट में उन्होंने मुस्लिमों को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश तो देश मुस्लिम देशों में भी उनका जमकर विरोध हुआ था। कई मुस्लिम देशों ने तो भारत के सामने इस बयान पर आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद आतंकी संगठन से भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, जिसने नुपुर का समर्थन किया था, वो एक बार फिर से सार्वजनिक रूप से दिखी है।